नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में ऋतुजा लटके को लेकर कई सारे सवाल थे कि क्या वो इस सीट पर जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी जब बीजेपी का कोई उम्मीदवार सामने आएगा या कोई भी विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार रहेगा, क्योंकि इसमें बीजेपी और शिंदे का जो एक समर्थन की सरकार बनी है उसको लेकर चर्चाएं तो बहुत ज्यादा है कि ये सरकार बहुत आगे तक जाएगी। सरकार में काफी कुछ सियासी दावपेच ऐसे हैं जिसका कहीं ना कहीं पुरजोर विरोध भले ही विपक्षी पार्टी करती है लेकिन उसका फायदा शिंदे फडणवीस को बहुत मिलता है। लेकिन कल चौंका देने वाला फैसला देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उन्होंने जिस उम्मीदवार को आगे किया था इस अंधेरी उपचुनाव को लेकर, उस उम्मीदवार का नाम वापिस लिया। कल नामांकन वापिस लेने की एक आखिरी और अंतिम तारीख थी। जी हाँ, शरद पवार, राज ठाकरे और साथ ही साथ शिंदे गुट के कई नेताओं ने बात कही थी कि आप अपने कैंडिडेट को नहीं उतारिए। उसके पीछे का तर्क ये था कि श्रद्धांजलि देंगे हम रमेश लटके को, जो इस सीट से विधायक थे, और अगर उनकी पत्नी इस सीट पर आ रही हैं तो पूरी तरीके से उनको आगे करना चाहिए और उनको समर्थन से निर्विरोध उनको जिता देना चाहिए। लेकिन राज ठाकरे का जो एक अपील किया गया था उसका असर ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं जवाब भी देते नजर आए थे फडणवीस, और उसका जवाब फडणवीस का यही था कि आप हम जो आपकी जो बातें बहुत लाजमी बातें हैं लेकिन आपका कहना भी सही है, लेकिन हमारे खुद के फैसले नहीं होते, हम नेताओं के साथ और सीएम के साथ मिलकर फैसले लेते हैं, तो हमें सबसे बात करनी होगी, उसके बाद ये बताना होगा कि हम अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं या नहीं। राज ठाकरे की इसी बात को लेकर कुछ लोगों ने कहा कि फडणवीस और शिंदे के मन में एक डर आ गया। क्यों? क्योंकि अगर राज ठाकरे की ये बात नहीं मानते तो राज ठाकरे आने वाले वक्त में जितने भी उनके याराना दोस्ताना संबंध है फडणवीस और शिंदे के साथ वो तोड़ देते। लेकिन इसके पीछे की एक और हकीकत सामने आई, और वो हकीकत ये थी कि सीट पर अगर बीजेपी का कैंडिडेट उतर भी जाता तो वो हार जाता। क्यों? क्योंकि इससे पिछली बार भी दो बार रमेश लटके विधायक रहे थे और दोनों बार ही उन्होंने बड़े बड़े कैंडिडेट को मुंह की पटकनी दी थी। लेकिन इस बार आपको बता दें, एक वक्त था कई हजारों वोटों से वो जीते थे, 27-26 हजार वोटों का गैप रहता था उनकी जीत के मार्जिन में, और ऐसे में रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को भी समर्थन मिलता और श्रद्धांजलि के तौर पर सहानुभूति जुड़ी होती और उनको आगे किया जाता और इसका फायदा उद्धव गुट खुले तौर पर उठाता। लेकिन राज ठाकरे की बातें कहीं ना कहीं चुभती जरूर नजर आई होंगी। राज ठाकरे का एक डर देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, जो फडणवीस और शिंदे के मन में जरूर रहता होगा। लेकिन ये डर तो नहीं कहेंगे, ये कह सकते हैं बहुत ही राजनीतिक तौर पर फैसले थे। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी हमेशा से ही यहाँ पर खुले तौर पर राजनीति करती नजर आई है और खुले तौर पर उन्होंने तमाम बातें भी की हैं और इन्हीं बातों को हमेशा आगे बढ़ाया है तमाम उनके नेताओं ने। लेकिन कल तो बागी विधायक भी फडणवीस के खिलाफ थे, और वहीं दूसरी तरफ यहां पर तमाम जो नेतागण थे जिसमें शरद पवार और राज ठाकरे थे वो भी यहां पर डरे नजर आ रहे थे कि आने वाले वक्त में सीट पर चुनाव होता है तो क्या स्थिति रहती है। 3 नवंबर को चुनाव होना था, 6 तारीख को नतीजे आने थे, लेकिन अब निर्विरोध यहां पर कह सकते हैं ऋतुजा लटके की सीट पर जीत हुई है। तो आपको क्या लगता है, क्या राज ठाकरे का अपील का डर था या फिर सचमुच राजनीतिक तौर पर इन्होंने फैसला लिया है बीजेपी ने? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।